श्रोताओं, किस तरह से नेताजी सुभाष ने अपने भारतवर्ष की जनता से क्या कह दिया और कैसे कवि महोदय ने रागिनी को लिखा, सुनेंगे रागिनी। न्यू बोलिया रे मैं तुमको रे आजादी दूंगा, और हिंदू सिख ईसाई एक में सात मुसलमानों दे दो, हिंदू सिख ईसाई एक में सात मुसलमानों दे दो। खून मुझे जवानों दे दो और हिंदू सिख ईसाई एक बे सात मुसलमानों दे दो, किस तरह से पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा किया नेताजी सुभाष ने और कैसे कह दिया पहली कली के माध्यम से। दिखे भारत माता, दिखे भारत माता जकड़ रखी बंधरी जंजीर गुलामी की, पेट पकड़ के करहा रही पूरी हो से पीर गुलामी की, हम मुंह दिखलाने लायक ना इसी खिंची लकीर गुलामी की, मर जाना इस ते अच्छा घनी गिरी जमीर गुलामी की, मर जाना ते अच्छा घनी धीन सपने सुख नाही करम घना ही आहो, आप राखनी न्यू चाहिए जैसे गुंठी बीच लगी ना हो, जंग जीतने के लिए धरा बच्चर कैसा सीना हो, जिनका देश गुलाम वहां की जनता का के जीना हो, जिनका संजय सरपंच साहब ततारपुर हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत सम्मान है। आदरणीय जगत पहलवान जी पंडाला से वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं,
उनका भी स्वागत सम्मान हम आई हुई अपनी टीम की तरफ से कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस तरह से नेताजी सुभाष बताने लगे कि हमारे देश के अंदर इन अंग्रेजों ने फूट डाल रखी है, अन्यथा अगर हम एक हो जाएं तो हमें कोई गुलाम नहीं रख सकता। किस तरह तीसरी कली के माध्यम से के बताया, दिख बब्बर शेर, दिख बब्बर शेर पड़िया गफलत में छाती पे चार खटे होके, अपना काबू किया गुफा के भीतर बाहर खड़े हो गए, इनकी गैलियां कुछ मारे भी बड़ गद्दार खड़े हो गए, अपने ही अपनों के आगे ले हथियार खड़े हो गए, अपने ही अपनों के आगे नहीं आएगी। तो जनता ने पूछा, नेताजी किस तरह से आजादी आएगी? आजादी इस तरह से आएगी, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, अगर इस तरह से देश को तुम बांध करके रखोगे तो आजादी आएगी, अन्यथा आजादी आने वाली नहीं। किस तरह अंतिम और लास्ट कली में के बताया, रतन बढ़ाना जी सराय से उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बताया, वही देश का बच्चा, वही देश का बच्चा, बच्चा जिस दिन एक रूप हो जाएगा, तन मन धन सब देश के अर्पण जब करके दिखलाएगा, पीठ दिखा के भगे फिरंगी ना तो है तपाएगा, लाल किले के ऊपर झंडा जब महाराज लहराएगा, लाल किले के ऊपर झंडा टैक कैसे।